राजनीति का ऐसा गणित, सियासत का ऐसा खेल, वोटों का ऐसा उलटफेर कि 12 महीनों में ही इसराइल में तीसरी बार चुनाव हुए, लेकिन सरकार बनने और सरकार बनाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसराइल का सबसे बड़ा दंगल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जीतना चाहते हैं, वापस सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, लेकिन वोटों का समीकरण उनके अनुकूल नहीं लगता और ऐसा तीसरी बार हुआ है। गुरुवार को जारी हुए नतीजों में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का गठबंधन मात्र 3 सीटों से बहुमत से चूक गया और खुद के दम पर सरकार बनाने में नाकाम रहा। हालांकि इससे इतर बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो ट्वीट कर अपनी ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। इससे पहले हुए 2 चुनावों में भी बेंजामिन को बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसे इसराइल के चुनावी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा डेडलॉक माना जा रहा है। इसराइल में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत के लिए 60 सीटों की जरूरत पड़ती है। नतीजों से पहले घोषित हुए एग्जिट पोल में नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और साथी राष्ट्रवादी पार्टियों को 61 सीटों का अनुमान दिखाया जा रहा था, लेकिन जब फाइनल नतीजे आए तो मामला अलग ही हुआ। आपको बता दें कि घोषित किए गए नतीजों में लिक्विड पार्टी को 36, विरोधी ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी को 33 सीटें मिली है। हालांकि गठबंधन का साथ मिलाकर बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी 58 तक ही पहुंच पा रही है।